सो आज हम आए हैं नोएडा एक्सटेंशन की वन ऑफ द मोस्ट प्राइम लोकेशन पे पड़ने वाली प्रॉपर्टी, डेट इज़ गौर का 7th एवेन्यू। इसमें हम देखेंगे दो ऐसे यूनिट जो मार्केट रेट से ऑलमोस्ट 3-4 लाख नीचे मिल रहा है। स्ट्रेट चलेंगे तो आपका आता है 4 मूर्ति एंड आपका सेंट्रल नोएडा, ग्रेटर नोएडा। इधर स्ट्रेट चलेंगे तो आपका आता है नसरुद्दीनपुर गाजियाबाद। इधर आपको दिख रहे हैं गौर सिटी 1 के अदर प्रोजेक्ट्स एंड सरोवर पोर्टिको, डेट इज़ वो भी गौर का है। चलिए सोसाइटी के अंदर एंटर करते हैं। आप देख सकते हैं इसकी जो सिक्योरिटी लेवल है काफ़ी बढ़िया है, और जो सोसाइटी है बिल्कुल फ्रेशली कंस्ट्रक्टेड है। पोजीशन जस्ट अभी देना स्टार्ट किया इन लोगों ने। बगल में हमारे गौर का सरोवर पोर्टिको प्लस स्टेडियम। इस सोसाइटी की बेस्ट बात यह है कि एप्रिसिएशन काफ़ी शानदार मिलने वाला है, बिकॉज मेट्रो की वन ऑफ द नियरेस्ट प्रोजेक्ट है रेजिडेंशियल, तो आप समझ सकते हैं। सो हमने सोसाइटी में एंट्री कर लिया। सिक्योरिटी लेवल काफ़ी अच्छा है। सामने आप देख सकते हैं स्टील से बैरिकेडिंग कर रखा है, बिकॉज इनके कुछ टावर्स अंडर कंस्ट्रक्शन में है, 1075 साइज़ वाले 2 BHK, उसमें भी कुछ यूनिट्स अवेलेबल हैं। तो फिलहाल टावर्स की एंट्री बेसमेंट के थ्रू हो रही है। अगर आपको टावर्स में एंट्री करना है आपको बेसमेंट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। एंड इसमें जो पार्किंग है वो आपका बेसमेंट रिजर्व पार्किंग एंड प्लस ओपन पार्किंग भी अवेलेबल है। तो ये है टावर आई एंड टावर जे। एक बार हम देख लेते हैं टावर्स के लॉबी कैसे दिखते हैं। तो हम आ गए अपने टावर के अंदर। तो इनका लॉबी देखिए, फ़िलहाल दिवाली था तो डेकोरेशन काफ़ी अच्छा कर रखा है। एंड लॉबी जो है आपको एक लग्जरियस फीलिंग दिलवाता है, काफ़ी बढ़िया इसका इंटीरियर कर रखा है, प्राइम आपको फील कराता है। पर फ्लोर पे 4 लिफ्ट हैं। तो हम अभी एंट्री कर लेते हैं। स्टेयर्स, 2 स्टेयर्स हैं। चलिए हम अपने लिफ्ट में एंट्री कर लेते हैं। तो अब मैं यूनिट के बारे में बताता हूँ। जो हम अवेलेबल है साइज़ वो है आपका 1155 स्क्वायर फीट का साइज़ है फ्लैट का, जो कि टॉप फ्लोर पे। अगर आप टॉप फ्लोर में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टा पे। यूनिट बहुत रेयर है, ज़्यादा दिन रुकने वाली नहीं है। बाकी और भी कुछ यूनिट्स अवेलेबल 7th एवेन्यू में मेरे पे हॉट डील, आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। हम आ गए टॉप फ्लोर। आप देख सकते हैं ये फ्लैट्स हैं, पोजीशन लोगों ने लेना स्टार्ट कर दिया। जैसे इन्होंने पोजीशन ले रखा अपना, रहना स्टार्ट कर दिया। बाकी और भी काम बहुत सारे फ्लैटों में चल रहे हैं। तो जो मेरे पे यूनिट आ रही है वो है स्टेडियम फेसिंग, जिसका आज के डेट में 10 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है बायर्स को। मतलब कि आप मार्केट रेट उसमें लेने जाएंगे तो आपको मिनिमम 56-57 लाख की यूनिट है, जो कि मेरे पे 51-52 के आसपास आती है। तो बाकी ऑन टेबल नेगोशिएशन हो जाता है, यूनिट देख लेते हैं। वैसे ये यूनिट नहीं है, मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक सैंपल फ्लैट दिखा रहा हूं कि जो कैसा है 1155 वाला लेआउट, काफ़ी बढ़िया है। चलिए ये वाला देख लेते हैं। इसमें क्या है कि एंट्री करते ही आपके डाइनिंग जो है उसके साथ ही बालकनी मिलती है, वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट। उसके बाद आप देखेंगे तो ये जो है आपका वॉशरूम दे रखा है एंट्री पे ही। देखिए इसके सनलाइट आने के लिए, वेंटिलेशन के लिए इधर विंडो का प्रोविज़न भी दे रखा है। ये देखिए जो डाइनिंग एरिया है, इधर आप एक ग्लास लगा सकते हैं, जो कि आप काफ़ी बढ़िया आपको सनलाइट का इधर प्रॉपर मिलेगा। सनलाइट का कोई इशू नहीं आने वाला। ये किचन एरिया हो गया आपका, काफ़ी बड़ा स्पेस है किचन के लिए। इधर भी वेंटिलेशन के लिए इन लोगों ने प्रोविज़न दे रखा है। नीचे देखिए, ओह माय गॉड, ये हम आ गए फर्स्ट रूम में। ये इनका कबर्ड एरिया हो गया, कबर्ड एरिया का भी प्रोविज़न दे रखा है। और ये रूम जो है आपके बालकनी से अटैच है, वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट। लेआउट काफ़ी अच्छा है, जब बन के तैयार होगा तो काफ़ी बढ़िया लगता है। इसमें सब बिक चुका है, लोग रहना स्टार्ट कर चुके हैं। ये हम मास्टर बेडरूम में आ गए। ये इसका वॉशरूम एंड बालकनी, गौर का सबसे बेस्ट पॉइंट बालकनी, कितना बड़ा होता है। आप चाहे तो इसे कवर भी कर सकते हैं। तो सामने देखिए ये रह रहे हैं ऑलरेडी, देखिए इन्होंने कितना बढ़िया बना रखा है अपना। ये इस व्यू के लिए लोग PLC पे करते हैं, प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस, डेट इज़ आज के डेट में 10 लाख रुपए के आसपास है। मतलब आपकी 46-47 लाख की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट 55-56 की पड़ती है प्लस रजिस्ट्रेशन। देखिए व्यू, रात का व्यू सोचिए क्या कितना शानदार होगा। टॉप फ्लोर है, टॉप फ्लोर के शौकीन हैं, काफ़ी लोग होते हैं, तो आप ज़रूर करिए। डिस्ट्रेस डील है,
अच्छा मिल जाएगा। सामने देखिए गौर का टेंपल, ये इनका स्टेडियम। इस व्यू के लिए भाई लोग बहुत ज़्यादा पे करते हैं, कोई यूनिट नहीं बची। रीसेल में ऑप्शन है, मैं जो आपको बता रहा हूँ रीसेल रीसेल का ऑप्शन है। सामने आप देख सकते हैं जो बच्चे खेल रहे हैं, ऑलरेडी क्रिकेट मैच चल रहा है अभी फ़िलहाल। बगल में देखिए लोग रहना स्टार्ट कर चुके हैं। एक मैं आपको दिखा दूं कि सेम लेआउट का आप कैसे वो कर सकते हैं, तो ये थोड़ा आइडिया गया। जैसे नेबर हैं, इन लोगों ने काफ़ी बढ़िया बना रखा है, इसे पूरा कवर कर रखा है सेफ्टी पर्पस के लिए भी। अभी आपके डिस्प्ले पे एक पिक दिखने वाली है, ये इसके नाइट का व्यू, एंड आप इमेजिन करिए आप अपने बालकनी में बैठ के इसे रोज़ देखेंगे। तो चलते हैं इसकी दूसरी फेसिंग भी देख लेते हैं, जो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है जिसमें PLC चार्जेस नहीं लगता। वो आपको सस्ते में मिल जाएगा ऑप्शन, अराउंड 47-48 के आसपास। ये है आपका पार्क फेसिंग, इधर भी सनलाइट प्रॉपर आती है, अच्छा है। तो आप नीचे देख सकते हैं सामने जो गौर के 1075 वाले साइजेस हैं वो बन रहे हैं फ़िलहाल। इसमें रेडी टू मूव एंड अंडर कंस्ट्रक्शन दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। आप मुझे DM कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है 7th Avenue में, एंड जो मेरे पे बढ़िया डील्स हैं मैं आपको बता दूंगा। एंड ऐसे डील भाई पहले बता दूं मैं आपको, ज़्यादा दिन रुकते नहीं हैं, तो आप जब वीडियो देख रहे हैं तो उस टाइम मुझे DM करें, उस टाइम जो बेस्ट डील होगा मैं वो आपको दे दूंगा। दूसरा यूनिट जो मैंने आपको बोनस में बोला था कि मैं दिखाऊंगा, वो है आपका पोडियम यूनिट 1075 वाला, यानी कि 2 BHK गौर का। एंड बता दूं मैं आपको, माई वन कंस्ट्रक्शन है, लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन है, जितने भी इसमें 7th Avenue है टोटल लेटेस्ट आपका प्रोजेक्ट है, कोई ओल्ड आपका सोसाइटी नहीं है, बिल्कुल फ्रेश कंस्ट्रक्शन वाले चीज़ें हैं इसमें। पोजीशन इन लोगों ने जस्ट अभी देना स्टार्ट किया है, आप देख सकते हैं इनका पार्क एरिया हो गया, जो ऊपर से हमें काफ़ी छोटा दिख रहा था लेकिन एक्चुअली में काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है। आपने देखा एंट्री में बच्चे खेल रहे थे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें या फिर कुछ भी देख रहे हैं गौर सिटी 1 गौर सिटी 2 में, आप मुझे DM कर सकते हैं ऑन माई Instagram ID जो कि अभी आपको दिख रहा होगा, एंड आप कनेक्ट हो सकते हैं और जो बेस्ट डील होगा मैं आपको बता दूंगा। तो ये 1075 वाला लेआउट है जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, इसमें काफ़ी मैश हो रखा है क्योंकि ओनर ने इसका पोजीशन नहीं लिया, तो इसमें काफ़ी कचरा वगैरह फेंक रखा है। साफ़ सफ़ाई हो जाएगी जब आपको आप यूनिट लेते हैं, तो वो ओनर करवा के देता है साफ़ सफ़ाई, प्लस मेंटेनेंस वाले इसे सब क्लियर करके देंगे। तो पोडियम यूनिट का बेस्ट पार्ट ये होता है कि इसमें एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है बाकी सेम साइज़ के फ्लैट से, प्लस ये पार्क फेसिंग है। जैसे कि ये नॉर्मल बालकनी है, आप 1075 वाला देखेंगे यहाँ तक है, प्लस इसमें जो एक्स्ट्रा एरिया मिलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है इसमें एक्स्ट्रा एरिया। ये वाला स्पेस जो है आपका एक्स्ट्रा, रूम से देख लेते हैं डाइनिंग एरिया से, तो ये है, ये आपका एक्स्ट्रा स्पेस मिला इतना। जी बिल्कुल। तो भाई अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट, और ऐसे ही वीडियो के लिए हॉट डील्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फॉलो अस ऑन Instagram ऑल्सो। लव यू ऑल, टेक केयर एंड एन्जॉय।